हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी 17 अक्टूबर हो रहा है और अभी शाम का 6 बज रहा है और मैं अभी गाड़ी लोडिंग करने के लिए आया हूँ और ये लोडिंग हो रहा है मेहसाणा के लिए, तो जंबो बैंक लोड हो रहा है, आप देख सकते हो। पूरा CFS है, ऐसे ऐसे लोड होता है, एक ऊपर आया है और अभी लोड करके जाएंगे मेहसाणा। अभी एड्रेस आया नहीं है, कहाँ का है पता नहीं है, और त्रिपाल ऊपर डाल दिया है तो देखते अभी लोड तो अभी हो जाएगा, वजन कितना आता है। हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी अपना भर गया है फाइनली और ये बाहर निकल लिया गाड़ी और अभी यहाँ से मारेंगे लेफ्ट और सामने रंगोली गेट। और वजन ज़्यादा आ गया फ्रेंड, 25 टन का गारंटी था लेकिन 3 टन मिला के 29 टन हो गया और कागज वागज सब त्रिपाल कर दिया और अभी जाएंगे खाना बाना खाएंगे कहीं घर पे। ऐसा कुछ भी हुआ है, अभी नाइट का 9 बज गया है। गाड़ी तो अपना 7 बजे के आसपास भर गया था लेकिन गेट पास के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। अभी ये फुल में और ये डिम में। तो फ्रेंड्स अभी लेते हैं पंप पे डीजल और ये दूसरा कोई सिया पैर है। चलो फ्रेंड मिलते हैं पंप पे। गुड मॉर्निंग, अभी 11 बजने वाला है और मैं आऊँ अभी हमारे गांव चांदरोड़ा पे और खाना पीना हो गया है, अभी जस्ट निकलना ही है। तो ये देख सकते हो ये ग्राउंड है, सामने त्रिदिया होटल है, फुल खाने पीने की व्यवस्था है, नहाने धोने की, इधर पीछे नहाने का भी है, इधर बाथरूम है और काफ़ी अच्छा पार्किंग भी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो रात को यहाँ पे गाड़ी छोड़ दिया था, अभी निकल रहे हैं और निकलते हैं मेहसाणा के लिए। अभी गांधीधाम में थोड़ा गाड़ी चेकअप करवाना है इसलिए 11 बजे ही निकल गया हूँ। मैं कल रात को इधर 11 बजे आ गया था लेकिन थोड़ा गाड़ी में चेकअप करवाना था इसलिए रुक गया था और अभी लालन शोरूम पे कर देंगे चेकअप फिर निकलेंगे। चलो फ्रेंड्स, तो अभी मारते हैं सेल और निकलते हैं अपनी मंजिल पे। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं इधर आया था लालन शोरूम में, अभी वो बता रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, अब कैन ही करवाने का है, देखते हैं। दूसरे एक मिस्त्री से भी कांटेक्ट किया है, ये इधर पीछे है शोरूम, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। दूसरे का हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। ફોલ્ડ વેલ નો હોય ડાયરેક્ટ કરી દો ને થા દો
ના હજી કઈ નથી આવ્યો. ડાયરેક્ટ કર્યો હતો, બે ત્રણ વાર તો નથી થતો. हेलो फ्रेंड्स, अभी जय बज रहा है और मैं पहुंच चुका हूं बचाओ. और ये दोनों तरफ गांव है और बीच में एक बड़ा ब्रिज है, जो ब्रिज में गाड़ी सब थक जाती है, चढ़ाई में चढ़ नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से चढ़ती है. और ये सामने बस स्टैंड है और ये क्या बन रहा है मेरे को पता नहीं है, जिसको बताओ कमेंट करें. बहुत बड़ा ऊंचा बना रखा है, लोहे का है सब. अभी अपना गाड़ी तो दब रहा है, बाकी सब गाड़ी धीरे 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 चढ़ रहा है ऊपर. और अपना गाड़ी दब रहा था वो तो काम हो गया है. और अभी मंजिल पे निकलते हैं यार हम से. ये देख सकते हो लोहे का है, कितना हाइट के ऊपर बना हुआ है. और बच्चा सर पूरा हाइट के ऊपर ही बना हुआ है. और अभी पांचवा गियर डाल दिया है और अभी एकदम से ढलान आ जाएगा पूरा वहाँ तक. ये देख सकते हो यार आराम से जाना पड़ेगा. नीचे ढलान में गाड़ी खड़ा है, खड़ा सामने. और गाड़ी भी स्पीड ज़्यादा कर रही है तो थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. अभी मैं चाय पीने के लिए शाम खेरी चामुंडा होटल पर रुका था और अभी चाय पी के निकलेंगे. अपना गाड़ी सामने खड़ा है और इधर टोल है और ये अपना गाड़ी है. त्रिपाल कैसे मारा हुआ है वो आप देख सकते हो. और सामने भी नई चामुंडा है, ऐसा कुछ त्रिपाल का नजारा है. थोड़ा ऑयल अंदर से लीक हो रहा है, कोई नहीं चलेगा. और ये अपनी गाड़ी को करते हैं अनबॉक्स और अंदर चले जाते हैं. और ये अपना पानी का डम है, ये चलता फिरता फ्रिज है. इस पर थोड़ा ठंडा कर दोगे तो गरम होगा ही नहीं. सामने क्रेन खड़ा है और ऊपर बाइक लगा रखा है और सामने सामख्याली का ब्रिज है. ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, यहाँ से आधा किलोमीटर गाड़ी दूर है. और चलो अभी गाड़ी मारते स्टार्ट और निकल पड़ते अपनी मंजिल के लिए. अभी 4:30 का टाइम हो रहा है. मैं अभी पहुंच चुका हूँ गांगोधर और
अभी यहाँ पे चाय नाश्ता किया और टी अच्छा बनाया था। ये सामने गंगोदर पेड़ के नीचे होटल है, चाय काफ़ी अच्छा बनाता है, तो आप कभी इधर आओ तो ट्राई ज़रूर करना। सामने ये होटल है और अपना पार्सल ले लिया है सब 10 से। बाकी अभी नेक्स्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, तो हमारे साथ पूरा एकदम बने रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है 6 और मैं पहुंच चुका हूँ आडे सर। तो आज आडे सर चेक पोस्ट पार कर लिया है और अभी बीच में थोड़ा रण विस्तार मतलब रेगिस्तान जैसा आ गया है और पानी भरा हुआ है, एकदम रण जैसा फीलिंग आ रहा है और रास्ते की हालत इतनी ख़राब है कि बात ही जाने दो, मुश्किल का सामना बहुत करना पड़ रहा है। कितने गड्ढे पड़े देख सकते हो, गाड़ी अभी बहुत स्लो चल रहा है और ये पानी स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो आगे पानी सब दिख रहा है और आराम आराम से अभी चला रहे। इधर भी रेगिस्तान ही है, उधर सामने ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है, अभी आराम आराम से जाएंगे, अंधेरा भी होने वाला है। रात में तो खड्डे और ज़्यादा तकलीफ वाला काम है, रात में दिखाई नहीं देंगे खड्डे। देख सकते हो कैसे जा रही है गाड़ियाँ, कट मार मार के खड्डे बचा के जा रही है। रोड की हालत बहुत ख़राब है, फिर भी कोई टोल तो बंद नहीं है, सब टोल चालू ही है, जितना वसूल रहे उतना ही वसूल रहे, बाकी रोड सर्विस में कोई काम अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो पानी, तो आराम आराम से चलाना पड़ेगा नहीं तो फिर खड्डे में अपना माल गिर जाएगा। ऐसा कुछ भी हुआ रहा है अभी शाम का टाइम है, दिन में गर्मी ज़्यादा था इसलिए टायर भी गर्म हो रहे हैं, आराम आराम से चलाना पड़ेगा अभी। अभी एक आध घंटा में तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, अभी गर्मी है थोड़ा थोड़ा। और आप देख सकते हो जहाँ तक अपना नज़र जा रहा है वहाँ तक पूरा समुद्र ही दिख रहा है, इधर भी पानी ही है, ये जैसे आकाश बादल जैसे दिख रहा है वो सब पानी ही है। जहाँ तक अपना कैमरा व्यू जा रहा है वहाँ तक पूरा पानी ही पानी है। तो फ्रेंड्स अभी आराम आराम से चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही और वीडियो को एंड तक देखते रहना, ऐसे ही नया नया आपसे देते रहेंगे। आज अपना भी ये चक्कर बहुत टाइम के बाद हुआ है, मैं अपना गाड़ी इस तरफ बहुत कम चलता है, ये महसाना वाला रूट राधनपुर से ही टर्न लेना पड़ेगा, वो भी रास्ता तो शायद ख़राब ही है, अभी देखते हैं। तो आप पूरा एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात का 8 बज रहा है और मैं पहुंचने वाला हूं अभी राधनपुर, ये सब राधनपुर सिटी है, आप देख सकते हो सामने से लाइट आ रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अभी राधनपुर से अपने को राइट टर्न लेना है, मतलब महसाणा के लिए हारिज वाला रास्ता जो है वो पकड़ना है। तो अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही, अभी देखते हैं यहाँ से टर्न लेते हैं क्या पोजीशन है। ये देख सकते हो बोर्ड भी आ गया है, ये खड्डे बहुत परेशान कर रही है रोड में, तो अभी इंडिकेटर दे दिया है लेकिन बज नहीं रहा है, पीछे फोर व्हील आ रहा है। लाइट डिम कर देते हैं, बाइक वाले को परेशानी ना हो।
अभी ये पुलिया थोड़ा छोटा है, इसलिए आराम से टर्न लेना पड़ेगा और बड़ा टर्न लेना पड़ेगा। अभी सिंगल रोड आ गया, हेलो फ्रेंड, आप सबको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह का 3:30 हो रहा है और मैं अभी आरिज से थोड़ा पहले हूँ और दोस्तों में अभी यहाँ से निकला हूँ। आरिज से पहले गोपाल होटल पे रात को सोया था, रात को इधर 11 बजे आ गया था, फिर सो गया था। अभी आराम से निकल पड़े, अभी थोड़ा रास्ता भी खराब है आगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, ट्रैफिक भी नहीं आएगा और आराम से पहुँच जाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी निकला हूँ। और अभी पूरा रात का टाइम है और रोड तो ठीक है, बाकी सिंगल है इसलिए थोड़ा दिक्कत है, और सामने से गाड़ी आ रही है। रात को खाना पीना करके जल्दी सो गया था थोड़ा, क्योंकि आगे कोई होटल है नहीं और होगी उसमें भी कोई फायदा जैसा होगा नहीं कुछ, इसलिए ये थोड़ा बहुत टाइम पहले आया था, तब भी ये होटल देखी थी, तो इसलिए मैं इधर ही सो गया था। और अभी 3:30 बजे, वैसे तो उठा तो 3 बजे हूँ, लेकिन चाय पानी करते करते आधा घंटा ऐसे ही निकल गया, तो अभी 3:30 हो गया है। और अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और अभी देखते हैं, अरे यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है, अभी देखते हैं कब तक मेहसाणा आता है और रास्ता भी कैसा है वो भी देखते हैं। तो आप हमारे साथ पूरा एंड तक रहिएगा साथ पे। फाइनली दोस्तों, अभी बहुत मुश्किल के बाद अभी मेहसाणा बाईपास में पहुंचने वाला हूँ और अभी सुबह का 5 बज रहा है और ये सामने डी मार्ट है और यहाँ से अपन लेंगे राइट साइड टर्न, तो ब्रिज घुमा के ही जाना पड़ेगा, तो देखते हैं वहाँ से रास्ता है। रास्ता तो है, अभी पुलिया तो बन रहा है, ये इधर आप राइट टर्न लेंगे और ये जा रहा है अपना पालनपुर के लिए और ये अहमदाबाद जा रहा है, तो अपने को अहमदाबाद साइड में टर्न लेना है। हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और मैं अभी GIDC में अंदर मुड़ चुका हूँ और ये अंदर GIDC डेडियासन में पड़ता है। अभी सुबह का 5:30 हो रहा है,
रास्ते की तो इधर भी हालत खराब ही है, आराम से चल रहे हैं। और ये जो काफी बड़ा है मेन रोड से बाईपास से मैंने लेफ्ट टर्न लिया था, और अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर और बता रहा है, फिर देखते हैं कहाँ पे है, कब तक क्या पोजिशन है, क्या कुछ। सुबह में तो कोई एंट्री बेंट्री नहीं होगा मेरे हिसाब से, खड़ा ही रहना पड़ेगा बाहर गेट पे, और वो भी जागते रहना पड़ेगा। सो सो जाएंगे तो पक्की सब सो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ऐसा पोजिशन है, कुछ आसान नहीं है ड्राइवरों के लिए भाई। पहुँचते हैं पॉइंट पे, देखते हैं क्या पोजीशन है। तो आप जैसे बने रहे हो वैसे ही पूरा एंड तक देखते रहना। हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 6:30 हो रहा है और मैं अभी हूँ JDC में, और ये सामने अपना खाली करने वाला कंपनी है। 1 घंटे से मैं इधर आ गया हूँ, अभी वो पीछे लारी पे चाय वाला था तो उधर चाय पिया, और अभी बोला कि सुबह में आएंगे सब 8-10 बजे के आसपास, तो अभी खड़ा कर देते हैं इधर गाड़ी। और अभी बस ऐसे ही वीडियो देख रहा था, अभी देखते हैं कब तक आते हैं, कब तक खाली होगा, क्या है क्या नहीं है। ये कंपनी का नाम है देख सकते हो, प्राइम इंडस्ट्री, और अंदर में मशीन चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। देखते हैं अभी कब खाली होता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी 10 बज रहा है, फाइनली गाड़ी पॉइंट पे लग गया है और त्रिपाल भी उतार दिया है। बहुत हार्ड और टफ कंडीशन में गाड़ी लगाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत छोटा रोड है और त्रिपाल पूरा नीचे गिरा दिया, और अभी करेंगे खाली वो ओटी है ऊपर। बहुत हार्ड कंडीशन है और पीछे भी टी वाला काम, बेल्ट सब इधर निकाल लिए, ऐसा कुछ है माल। तो अभी त्रिपाल को समेट लेते हैं और फिर बेल्ट और सब अंदर डालना पड़ेगा, इसलिए तकलीफ ज़्यादा है हमारे। तो चलो अपना काम करते हैं चालू, खाली करने वाले को भी बोल देते हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना। हेलो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 12 बजे का टाइम हो रहा है और जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया है। अभी यहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था है नहीं, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, और अपना गाड़ी वैसे ही पॉइंट में ही लगा हुआ है। अभी कोई बिस्कुट या फिर कोई वो हुआ नहीं है अपना खाली करने का कोई जुगाड़, इसलिए अभी खाने का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। अभी देखते हैं क्या क्या आता है खाने में। मैं हूँ अभी मेहसाणा JDC में, तो यहाँ पे कोई खाने का पास में तो जुगाड़ है नहीं, इसलिए ऑर्डर करना पड़ा है। अभी देखते हैं कब तक आ जाता है। वही हाल में खड़ा है, देख सकते हो पॉइंट पे लगा हुआ है, छोटा गली है और इधर भी रास्ता है दोनों तरफ। तो अभी देखते हैं खाना कितनी देर में आ जाता है, और आप हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अपना ऑर्डर आ गया है, इसमें प्याज है और पापड़ है रोस्टेड, और ये प्याज का है वो, और इसमें सेव मसाला है, ये रायता है, और ये अलग चीज़ है, और ये पराठा है, इसमें छाछ दिया हुआ है,
और इतना चीज दिया है, तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फाइनली 8 बज रहा है और अपना गाड़ी खाली हो चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ DID से है बाहर। अभी माल में कुछ मिला नहीं है, अभी देखते हैं। सुबह में तो है संडे, रवि भाई है तो कुछ फाइनल नहीं है, फिर भी अपने दुश्मन में होगा तो कुछ मिल जाएगा। तो अभी निकलते हैं DIDC से बाहर और ढूंढते हैं कोई होटल ढाबा। तो चलो चलते हैं बाईपास। हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 11 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी ये होटल पे। सामने देखते और होटल है और अभी 11 बज गया है, आज है संडे तो अभी तक कुछ ऑर्डर आया नहीं है। अभी देखते हैं कब तक आता है। बहुत सारी गाड़ी खड़ा है इधर भी और इधर भी, और ये ट्रैक्टर लोड किया हुआ है, आप देख सकते हो कैसे लोड किया है। ये सब रस्सी से बंधा हुआ है, स्वराज का ट्रैक्टर है, बहुत सारे ट्रैक्टर है, नए ट्रैक्टर है, सब जा रहे हैं अभी शोरूम पे। और रात को मैं इधर जल्दी आ गया था होटल यहाँ से, वो JDC से तो ये 5-6 किलोमीटर आ गई है, ये बाईपास है मेहसाना वाला बाईपास। अभी देखते हैं कब तक ऑर्डर आता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 21 अक्टूबर हो रहा है और मैं अभी मेहसाना बाईपास में ही खड़ा हूँ। आज मंडे हो रहा है और अभी तक अपना कोई ऑर्डर आया नहीं है। कल तो था संडे, इसलिए कल कुछ माल मिला नहीं था और अभी देखते हैं आज मिलता है क्या है। दो संडे को तो वैसे सब जगह छुट्टी रहता है तो कोई माल मिलता नहीं है, तो आज मंडे है तो आज कुछ मिल जाएगा। संडे में थोड़ा तकलीफ रहता है सब जगह। और मेहसाणा रूट ऐसा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे माल मिलना असंभव है, नामुमकिन ही है समझो। और यहाँ से अपने को अहमदाबाद या कहीं आसपास में ही जाना पड़ता है MT, क्योंकि ये लोकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम ये मेहसाना ये इधर वाले लोकेशन में थोड़ा कम लोड करते गाड़ी, फिर भी माल और कुछ था नहीं उधर से आने में, तो इसलिए मेहसाने का लोड कर लिए थे। बाकी अभी देखते हैं कब मिलता है। ये इधर आपको दिखाया था इधर होटल, तो यही होटल है और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और मस्त इधर पेड़ है, नीम महाराज आराम फरमा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं। और ये अपना गाड़ी है, छाँव के नीचे खड़ा है, ऐसा कुछ व्यू है। और अभी देखते हैं कब तक आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, कहाँ से माल मिलता है और कहाँ पे खाली होता है, तो आप पूरा दूसरे व्लॉग में आ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।